अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं। उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है, और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। आज का यह आयोजन इसी दिशा में एक और कदम है, बड़ा कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया, जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही अगर कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था? आप मुझे बताइए, क्या देश ताकतवर हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? और मैं तो यूपी का सांसद हूं, और मेरी विशेष जिम्मेवारी है। मेरे परिवारजनों, 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है।
आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में दो बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है, उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है, उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में ही शुरू हुआ है। यूपी के कई शहर मेट्रो सुविधा से जुड़ रहे हैं। यूपी ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का हब बन रहा है और ये बात बहुत बड़ी है साथियों। आने वाली शताब्दियों तक इसका महात्म्य रहने वाला है जो आपके नसीब में आया है। जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को एक नई ताकत, नई उड़ान मिलने वाली है। साथियों, सरकार के प्रयासों से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाले प्रमुख सेंटर में से एक बन रहा है। केंद्र सरकार देश में 4 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की तैयारी में है। ऐसे नए शहर जो दुनिया के श्रेष्ठ मैन्युफैक्चरिंग और निवेश स्थलों को टक्कर दे सकें, इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है। और आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहां हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यापार, कारोबार, उद्योग के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। इसके बहुत बड़े लाभार्थी हमारे किसान परिवार, हमारे खेत मजदूर भी होंगे। यहां कृषि आधारित उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, आप भी जानते हैं कि पहले खराब कनेक्टिविटी की वजह से किसान की पैदावार समय पर बाजार नहीं पहुंच पाती थी, किसानों को अधिक भाड़ा भी देना पड़ता था, गन्ना किसानों को कितनी परेशानी होती थी
ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। किसानों की उपज को अगर विदेश एक्सपोर्ट करना होता था तो वो भी मुश्किल था। यूपी समंदर से बहुत दूर है, इसलिए उद्योगों के लिए जो गैस और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए उन्हें भी ट्रकों में लाना पड़ता था। इन सारी चुनौतियों का हल नए एयरपोर्ट और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में है। अब यूपी में बना सामान यूपी के किसानों के फल सब्जी और ज्यादा आसानी से विदेशी बाजार तक पहुंच पाएंगे। मेरे परिवारजनों, डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीब और किसान का जीवन आसान हो। मैं योगी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य और बढ़ा दिया है। गन्ना किसान हो, गेहूं और धान किसान हो, सभी किसानों को पहले अपनी ही उपज का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।